आज के क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंतिम जो आपका चैप्टर है या अंतिम अंतिम जो भाग है एक्सक्रीशन उसको देखते हैं जैसा कि हम लोगों ने पीछे के क्लास में देखा था सर्कुलेशन के बारे में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ढेर सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा था हमको जिंदा रखने के लिए जीव को जीवित बनाए रखने के लिए और इस प्रोसेस के दौरान इन प्रोसेस के दौरान जो आपके एक्टिविटी हो रहे थे उसमें कई सबिस्टांस बनते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कई सबिस्टांस ऐसे बनते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं जैसे हॉर्मोन्स इंजाइम्स सेलाइबा ये सब हमारे लिए फायदेमंद है तो उसका हम यूज कर लेते हैं लेकिन जो हमारे लिए हानिकारक है जो हमको हार्म पहुंचाता है उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसको क्या किया जा सकता है तो इसके लिए एस्क्रीशन एक शब्द आता है जिसमें हम क्या करते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करते हैं हटाते हैं इसी से मिलता जुलता दो तीन शब्द है जिसको हम एक साथ पहले डील कर ले समझ लें एक्सक्रीशन ईजेशन सिक्रीशन ये शब्द बार बार आता है बायोलॉजी में पहले इनमें थोड़ा सा अंतर कर लें क्या अंतर है इनमें तो हम बोर्ड पे आते है क्या अगर ये चैप्टर के शुरुआत का जो नाम है एक्सक्रीसन ये है क्या तो आराम से आप बताना मेटाबॉलिक वेस्ट का निकाला जाना हटाया जाना ही एक्सक्रीसन कहलाता है और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो दो रूप में आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म में बनते हैं या निकलना चाहते हैं एक गैस रूप में और एक लिक्विड के रूप में ये अलग बात है कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिक्विड या फ्लूड को अंततः फिर क्या करते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो सॉलिड के रूप में भी बाहर आ सकता है या सेमी सॉलिड के रूप में बाहर आ सकता है लेकिन जो बनने का प्रोसेस है चूंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो मेटाबॉलिक प्रोड़, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो या तो गैस रूप में बनेंगे या लिक्विड रूप में बनेंगे क्योंकि मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म में वाटर जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है बिना वाटर का बगैर पानी का मेटाबॉलिक आपका प्रोसेस हो ही नहीं सकता है और जहां पर वाटर होगा वहां पर या तो लिक्विड फॉर्म में आएगा या गैसियस फॉर्म में वेपर फॉर्म में आएगा इसीलिए जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं या तो गैसेस फॉर्म में बनते हैं या लिक्विड फॉर्म में बनते हैं वो अलग बात है कि फिर वो कन्वर्ट हो जाए क्रिस्टल फॉर्म में बदल सकते हैं अब यहां पर कुछ एक शब्द है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बार बार जो है ना हमको डाउट उत्पन्न करते हैं हमें समस्या उत्पन्न करते हैं बायोलॉजी में उत, बार बार, बार उपयोग भी इनका होता है एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, और भी इसी तरह से कई है लेकिन ये तीन जो है आपके लेवल में जानने के लिए जरूरी है ये तीनों का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सबस्टांसेस तीनों का तीनों जहां भी मिल मिल जाए आपको लिखा हुआ आपके दिम, दिमाग में आ जाना चाहिए इसमें होता क्या है इज इक्वल टू रिमूवल ऑफ सबस्टांसेस सबस्टांसेस का रिमूव होना या रिमूव करना क्या कहलाता है एक्सिजेशन कहलाता है एसक्रीसन कहलाता है और सिक्रीशन कहलाता है तो आपके मन में आएगा कि आखिर किस प्रकार का सबस्टांसेस और अगर सब में सबस्टांसेस का ही रिमूवल केबल होता है तो तीन नाम क्यों एक ही नाम से काम चला लेंगे समस्या कहां आता है ईजेशन जो होता है उसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकाले जाते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट मतलब वैसे वेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाए मतलब ऑग्न के बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाए मतलब ये न्यूट्रिशन का बात है लेकिन स्क्रीसन या सिक्रीशन जो है वो मेटाबॉलिज्म का बात है ये मेटाबॉलिज्म के बाद होता है और डाइजेशन न्यूट्रिशन भी मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है लेकिन उसमें जो आउटर हम सबस्टांस लेते हैं उसका रिमेंस को अगर हम बाहर निकालें तब कहेंगे इजेसन बाहर से सबस्टांस लिए हैं उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन जो रिमेंस उसका बच गया जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते अपने लायक हम उसको नहीं बना पाते बदल पाते उसको क्या करते हैं बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाएगा इजेशन कहलाएगा लेकिन एसक्रीसन और सिक्रीशन दोनों में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का रिमूवल होता है अब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट दो फॉर्म में बन सकता है या तो गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में मुख्यतः अब ये अगर हार्मफुल है या यूजफुल है दो ही बात हो सकता है एक तो दो प्रकार दो रूप में बन सकता है और दूसरा बात क्या है दो, दो प्रकार का हो सकता है गैस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में बन सकता है और दो रूप में हो सकता है फायदेमंद और हानिकारक अगर फायदेमंद है तब उसको अगर निकालते हैं किसी ऑर्गेनिज़ बॉडी से इसे कहते हैं सीकरी तो फायदेमंद मतलब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को तो बॉडी से ऑर्गेनिज़ से निकाला जाता है जबकि एक्सक्रीशन में हार्मुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को जिसे हम वेस्ट भी कहते हैं बॉडी से बाहर निकाला जाता है जैसे यूरिया ये हमारे बॉडी में हानिकारक है अगर सीओ टू बढ़ जाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तब क्या होगा पॉइजनस होता है टॉक्सिक होता है वो आपकी मृत्यु हो जाएगी आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे और इक्रिशन में क्या होता है यूजफुल प्रोडक्ट जैसे सलाइवा सोचो अगर सलाइवा ना बने तो डाइजेशन समस्या हो जाएगा तो कितना फायदेमंद है? सलाइवा ना बने तो बैक्टीरिया आराम से आपके मुंह के द्वारा अंदर घुस जाएगा मतलब वो प्रोटेक्शन भी देता है हम्म चरनी टंग को मूवमेंट में मदद करता है आपको सिलेबिक लैंग्वेज में समझने योग्य और भाषा बोलने में मदद करता है तो सिलाई कितना फायदेमंद है डाइजेशन में उसका रोल है बोलने में मदद करता है और तो और, वो हमको सुरक्षा भी देता है बैक्टीरिया से इम्यूनिटी या फिर जो माइक्रो अग्निम्स जो बाहर से आते हैं उनसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है रोग से लड़ने की क्षमता देता है नेक्स्ट है इंजाइम्स ऐसे तो कई सारे हैं लेकिन ये दो तीन हम लोग देख सकते हैं इंजाइम्स कोई एक इंजाइम्स निकले या ना बने तो रोग हो जाता है कोई एक हार्मोन ना बने तो भी रोग हो जाता है हम्म किसी में ग्रोथ हार्मोन ना बने बेचारा का हाइट कम रह जाएगा किसी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन जाए तो काफी लंबा हो जाएगा जाइंट हो जाएगा तो ये सब आपके लिए फायदेमंद प्रोडक्ट है और उसको अगर निकालते हैं हम तो उसको सिक्रीशन कहेंगे हाँ लेकिन जैसे नेक्टर है पौधा में नेक्टर है ने, नेक्टर क्या है मीठा पदार्थ है हाँ वो क्या करता है एनिमल्स को उसके पास खींच के लाता है ताकि पॉलिनेशन हो सके तो प्लांट में नेक्टर क्या हो जाएगा फायदेमंद हो जाएगा ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते और शुरू करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जैसा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट जो होता है उसकी एक्टिविटी कम होती है और जिसकी एक्टिविटी कम होगी उसमें वेस्ट भी कम निकलेगा या कम आता है तो प्लांट में जो वेस्ट होता है वो कम आता है प्लस प्लांट का जो बॉडी बना होता है उसका जो मेन कॉन्स्टिचुएंट होता है सेल्स का या बॉडी का वो सेलोस होता है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव भी होते हैं अतः क्या होता है उनमें ज्यादा बनता है साथ ही साथ उनके बॉडी का जो मेजर पार्ट होता है वाटर के बाद वो कौन होता है नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोटीन होता है और प्रोटीन के कारण जब प्रोटीन टूटता है हमारे बॉडी के अंदर अमीनो के रूप में अमीनो एसिड के रूप में और अमीनो ग्रुप के रूप में तो अंततः क्या होता है यूरिया का निर्माण होता है प्लांट्स में यूरिया का निर्माण न के बराबर होता है और तो और प्लांट्स यूरिया का उपयोग करता है अपने बॉडी में अमीनो एसिड बनाने के लिए जबकि हमारे जो भी एनिमल्स हैं इस संसार के वो कभी भी यूरिया का उपयोग या अमोनिया का उपयोग प्रोटीन या प्रोटीन से संबंधित अमीनो एसिड बनाने में नहीं कर पाते या नहीं कर सकते ये कैरेक्टरिस्टिक्स केवल प्लांट्स के पास है आप समझते ही होंगे कहावत भी है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है प्लांट्स की गतिविधियां कम है तो उसमें अपने सबस्टांसेस को बनाने की क्षमता अधिक है और तो और वो अपने वेस्ट को भी दोबारा रीयूज कर लेता है उपयोग में ले लेता है जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ना ये कहा बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें जो है ना वेस्ट के रूप में क्या बनेगा ऑक्सीजन बनेगा जबकि सीओ टू और एच जो है वो मुख्यता बनता है के समय के समय कुछ एच जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी बनता है लेकिन करता क्या है ये इसको यूज कर लेता है रिस्पायरेशन में आ? इसको यूज कर लेता है यूज रिस्पायरेशन में और इसको यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में मतलब जो उसका जो उसका स्क्री वेस्ट बना फोटोसिंथेसिस में उसको यूज कर लेगा रिस्पायरेशन में और जो रिस्पायरेशन में बना उसको यूज कर लेगा फोटोसिंथेसिस में तो उसमें स्क्रिटी वेस्ट एक तो कम बनेगा और बनेगा भी तो बाहर निकालने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि वाई प्लांट लैक प्लांट लैक एक्ट्री ऑर्गेंस और सिस्टम तो आप क्या लिखोगे बिकॉज लेस एक्टिविटीज दियर लेस एक्टिविटीज या लिस्ट एक्टिविटीज लिस्ट चल लेस रहेगा लेस एक्टिविटी और सेकेंड क्या रहेगा कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू यूज दियर वेस्ट मेटीरियल इन अदर मेटाबॉलिक क्या प्रोसेस या एक्टिविटीज वन जो आपका रहेगा वेस्ट किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का वो दूसरे अदर जो आपके मेटाबॉलिक आपके एक्टिविटीज है उसमें वो यूज कर लेता है इसलिए बाहर निकालने की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है ऐसे भी अगर निकालना ही है तो प्लांट किस प्रकार से निकालेगा तो देखो अगर हम बात करते हैं प्लांट का ये प्लांट है तो प्लांट में अगर याद होगा आपको नीचे में स्वायल था और चूंकि इसमें स्क्रिटी सिस्टम तो है नहीं तो जब स्क्रिटी सिस्टम नहीं है तो ये क्या करेगा अपने अलग अलग भाग के लिए अलग अलग व्यवस्था करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करा ले आराम से ऊपर में होता है सूट जैसा कि हम लोग पढ़े हैं और सूट में ही अगर आपको याद होगा तो लीफ होता था और क्या होता था स्टेम होता था लिप्स कर लो लिप्स होता था और स्टेम होता था इसमें ये क्या करता है कि अगर कोई एक्टिव वेस्ट है तो या तो एस्टोमाटा से निकाल लेता है थ्रू एस्टोमाटा क्या करेगा वो एस्टेशन कर लेगा एस्टेम में समानता थ्रू सेल और स्वायल में आपका जो है ना किसके थ्रू थ्रू रूट हेयर्स ये कॉमन आपका एक्सप्रीशन का तरीका है लेकिन और भी तरीका है सूट से और करता है किसके थ्रू ऑल्सो थ्रू ओल्ड लीव्स लीव्स है हाँ ना पुराना पत्ती है उसको गिरा के निकाल देगा बार्क छाल में डाल दिया सेडिंग ऑफ बार्क हो गया है हाँ ना फॉलिंग ऑफ लिप फेलिंग ऑफ लिप जिसको बोलेंगे है हाँ ना और बार्क के साथ रिमूव कर देगा और तो और क्या करता है ये आपका मे बी स्टोर टोर इन सेल्स सेल्स में भी स्टोर कर सकता है या कर लेता है स्टेम से भी बार के थ्रू बाहर निकाल सकता है या फिर फल में भी एक चीज और यहां पर छोड़ दिए हम ओल्ड लीफ हो सकता है बार्क हो सकता है फ्रूट हो सकता है पका हुआ फल में डाल देता है वो राइपन फ्रूट्स में डाल देता है हाँ राइपन फ्रूट्स जो होते हैं उसमें अपना वेस्ट को डाल देता है बाहर निकाल देता है और भी कर सकता है ये क्या कर सकता है थ्रू सिक्रीशन थ्रू सिक्रीशन एज रेजिन नाम सुने होंगे गम ऐसे इस रूप में बाहर निकाल देगा ईटीसी ईटीसी गम के रूप में गोंद के रूप में वो क्या करेगा बाहर निकाल देगा प्लांट्स तो प्लांट्स का एक्सكريशन का क्या-क्या तरीका है वो आपको हम एक जगह पर बता रहे थे लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा सबसे जो इसका जो तरीका है कोई खास आपका ऑर्गेन्स या स्ट्रक्चर होता नहीं है एकदम माथा में रखिएगा और रीजन क्या है इसका क्योंकि एक्टिविटी इसकी कम होती है और अधिकांश अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को ये दोबारा री यूज कर लेता है इसलिए इसमें अलग से एक्सप्रिएन की आवश्यकता नहीं पड़ पाती है ज्यादा अब आपसे कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सर प्लांट जो तो दिन रात ऑक्सीजन निकालता है कि सीओ निकालता है कई लोग बताते हैं ना कि पौधा जो है ना रात में रिस्पायरेशन करता है दिन में करता है इसलिए दिन में ऑक्सीजन देता है रात में सीओ टू देता है कंफ्यूजन क्या है भाई इसको पहले क्लियर कर ले देखो फिर से जरा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके अपने आप को कंसंट्रेट करके इस बात को बैठा लो पौधा या कोई भी एनिमल्स हो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर वो लिविंग है तो रिस्पायरेशन चौबीसों घंटा करता है चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे शाम हो चाहे सुबह हो किसी भी समय में अगर वो जिंदा है तो रिस्पायरेशन उसमें हमेशा चालू रहेगा कभी बंद नहीं होता तो रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है अर्थात सीओ टू का प्रोडक्शन दिन में भी होगा और रात में भी होगा लेकिन दिन में डे टाइम में वो क्या करता है यूज कर लेता है सीओ टू को और H2O को किस रूप में फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के रूप में तो इसलिए दिन में जो है ना सीओ टू कम से कम निकलता है नहीं के बराबर निकलता है नहीं निकलता है और तो और, और उसको सीओ टू बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस खूब करना है भोजन बनाना है अपने लिए भोजन को जमा रखना है और तो और अपने बॉडी को बड़ा बनाना है तो फोटोसिंथेसिस खूब करता है और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा उतना टू चाहिए उसको तो इसलिए उसको बाहर से लेना पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस दिन में केवल करेगा या लाइट की उपस्थिति में करेगा उसको दिन रात से मतलब नहीं है उसको लाइट चाहिए व्हाइट लाइट चाहिए के रूप में और उस समय वो फोटोसिंथेसिस करेगा चाहे आपके लिए दिन हो चाहे रात हो उसको लाइट चाहिए लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस मतलब कि उस समय में जिसमें लाइट नहीं रहेगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो करता ही रहेगा इसलिए सीओ टू समान्यता जो है ना रात में उसके पास ज्यादा हो जाता है तो कोशिश करता है कि उसको हम डिफ्यूजन के रूप में बाहर निकाल दें और इसीलिए लोग बोलते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए और तो और कुछ भ्रांति भी इसके लिए हमारे समाज में फैलाया गया था कि रात में पेड़ों के नीचे भूत रहता है ताकि लोग पेड़ के नीचे न जाए क्योंकि सीओ टू वहां पर ज्यादा निकलेगा वो ढेर सारा सेल है बड़ा सा शरीर है आप तो छोटा हो उसके तुलना में तो क्या होगा सीओ टू ज्यादा देगा और सीओ टू जो है ना ऑक्सीजन के तुलना में थोड़ा भारी भी है तो नीचे आएगा आप वहां अगर जाएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगा आप यो सोच सकते हैं लोगों का ये सोच तो रिस्पायरेशन आपका 24 घंटा करता है फोटोसिंथेसिस तब करता है जब लाइट मिले अर्थात सामान्यतः ता दिन टाइम में डे टाइम में करता है तो ये आपको हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का बात बता रहे थे कुछ एक लोगों का ये कहना है कि क्या ऑक्सीजन चौबीसों घंटा निकलता है देखो कुछ एक प्लांट्स ऐसे देखे गए हैं जो डीम लाइट में भी फोटो कर लेते हैं और वैसे प्लांट जो डीम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और तो और कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी देखे गए हैं जो रात में सीओ टू लेते हैं रात में सीओ टू लेते हैं देते नहीं है तो ऐसे प्लांट्स अगर हैं तो ये कह सकते हैं आप कि वो ऑक्सीजन लेने देने का काम जो है ना दिन में जो है ना करते ही है अधिकांश लेकिन कुछ एक प्लांट जो है ना रात में भी सीओ टू लेते ले हैं लेकिन ये हम नहीं कर सकते कि कोई प्लांट जो ना चौबीसो घंटा फोटोसिंथेसिस कर रहा है जब एकदम डार्क रहेगा लाइट की कमी रहेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा कैसे खैर पर प्लांट का एक्सक्रीशन का बात हो गया था अब हम एनिमल्स का बात करते हैं तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हैपर को जो प्लांट है ना वो निकालता है समानता किस रूप में के रूप में फोटोसिंथेसिस से या लेंटी सेल से ठीक है ना तो एच टू ओपर का ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं है और आप जानते होंगे कि इतना ज्यादा एच टूओ निकालता है कि उसका जो है ना नाइन्टी uh, परसेंट तक से ऊपर 99% नाइन परसेंट माना जाता है 99% नाइन परसेंट जो है ना वो वाटर जो लेता है ना वो एस के रूप में बाहर निकाल ही देता है एस टूपर के रूप में बाहर निकाल देता है एस जो लेता है ए, रूट से उसमें से माने मैक्सिमम जो हिस्सा होता है उसको ट्रांसपारेशन के रूप में निकाल देता है बाहर तो प्लांट में O2, CO2 और H2O का बात खत्म हो गया अब हम बात करते एनिमल्स में हाँ पारामीशियम है ई सी कर लेते हैं लेकिन ये तो हो गया बॉडी कवरिंग के थ्रू और भी इसमें गैसियस फॉर्म में और कुछ आपका जो लिक्विड फॉर्म में वो हो गया लेकिन एक और है इसके साथ साथ प्लस कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वैक्यूल के थ्रू और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू किसका करता है एच टूओ का करता है और यूरिया का करता है ए और जो वेस्ट हैं जो बड़े हैं जो आराम से सेल मेम्रेन को पार नहीं कर पाते आसानी से तो उनको बल्क के रूप में मतलब ज्यादा अमाउंट के रूप में जमा करता है और कॉन्ट्रेक्टाइल के थ्रू उसको बाहर फेंक देता है, तो है, है? बॉडी कवरिंग के थ्रू हो जाता है लेकिन कुछ एक जो हो है उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है और इसका कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा अमीबा में आप ऐसा देख सकते हो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बॉडी कवरिंग के अलावे भी वो आराम से क्या करता है एस को यूरिया को निकालता है आप फ्रेश वाटरी अमीबा में ऐसा देख सकते हैं अब अगर मल्टी सेलर का बात करें ऐसे भी आप जानते होंगे शायद अमीबा जो है ना फ्रेश वाटर में ही रहता है फ्रेश वाटर का मतलब वैसा वाटर जिसमें मिनरल्स की मात्रा कम है सामान्य है मल्टी सेवलर में जो होता है वो स्पेशल क्या होता है एस्क्रिट्री ऑर्गन्स होता है ऑर्गेन्स होता है या सिस्टम होता है ठीक है तो मल्टी सोलर में थ्रू किसके एस्क्रिट्री ऑर्गन्स के और एस्क्रिट्री सिस्टम के हो जाएगा अब अगर हम बात करें अर्थ बॉम्ब का कॉमन है एक अर्थ बॉम्ब अर्थबॉम्ब जो है ना वो अगर आपको पढ़ना भी था पीछे अर्थबॉम्ब में किसके थ्रू होगा थ्रू एस्टीन और तो और एंड क्या बोलते ट्यूबलेर नेफरीडिया नेफरीडिया के थ्रू होता है तो आपको जो है ना मुख्य रूप से अमीबा में आ गया में मतलब जो भी यूनिसे होगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि में किसके थ्रू होगा तो आपका स्किन के थ्रू हो जाएगा या नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह है अमोनिया वगैरह जो है ना जो ज्यादा मात्रा में है अगर नहीं हो पाया स्किन से निकलना मुश्किल है तो उसको निकालता है किसके थ्रू उसको निकाल देता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू प्लस जो आपके दूसरे मल्टीसोलर ऑर्गन है जिसमें कॉमनली आप अर्थ अर्थबॉम के बारे में आपको जानना था हम अर्थ लिख के केवल छोड़ दिए वॉर्म सॉरी अर्थ बॉम्ब कॉमनली अर्थबॉम्ब को देख लो आप तो उसमें जो है ना स्किन और ट्यूबलर नेफ्रीडिया से हो जाता है ना किडनी का निर्माण जो है ना धीरे धीरे मल्टीसोलर ऑर्गनिम में शुरू हो जाता है स्कीट्टी बेस्ट के लिए स्पेशलाइज ऑर्गन्स का निर्माण शुरू हो जाता है और उसमें जो है ना प्रिमिटिव एक किडनी जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है और वो नेफ्रीडिया होता है जो हमारे कुछ हद तक जो हमें यूरिनिफेरस टिब्यूल्स होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं उसके जैसा कुछ हद तक काम करता है अर्थवॉम वगैरह में उसके स्किन मॉस्ट स्किन जो होता है उसके थ्रू भी हो जाता है एक्शन और बाकी के बारे में तो हम लोग पढ़े ही थे जैसे कि आ, आपका ये था मछली मछली में सीओ टू निकल जाएगा किसके थ्रू गिल्स के थ्रू और एस्किटी बेस्ड वो अपना स्की्टी सिस्टम से बाहर निकाल देता है उसमें वेल डेवलप्ड होता है और भी जो भी आपके ऑर्गनिम्स हैं जैसे इंसेक्ट्स तो उसमें हम लोग पढ़े थे सीओ टू को निकालता है और किसके थ्रू तो उसमें एक ट्यूबलेट आपका पूरा सिस्टम था ट्रैकिअरी सिस्टम या ट्रैकिया उसके थ्रू निकालता है प्लस उसमें भी एस्क्रिप्टिव सिस्टम होता है और वेल डेवलप मालपीगियन टिबुल्स वगैरह जो क्या करता है वो आपके उसके वेस्ट को उसके यूरिनरी ये क्या बोलते उसके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देता है खींच के और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर आ जाता है तो सब में अलग अलग व्यवस्था है लेकिन हम लोग को यहाँ पर जब अपने सिलेबस के अनुसार जानना था किसमें अमीबा में तो अमीबा आराम से हो जाएगा अर्थबॉम्ब वगैरह बहुत है हो जाना चाहिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इन किसमें ह्यूमन बींग में तो हम लोग अब शुरू करते हैं इन थ्रू एस्क्रिटी सिस्टम एस्क्रिटी सिस्टम एक विशेष सिस्टम है जो आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट के लिए बनाया गया है मुख्यतः नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ना जैसे यूरिया है अमोनिया है उसको बाहर निकालने के लिए लेकिन बाकी जो गैसियस है वो तो रिस्पायरेटी सिस्टम से निकल गया सीओ टू के रूप में कुछ एक और है जैसे वाटर वगैरह तो तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा यूरिनरी सिस्टम में एस्किटी सिस्टम में आ जाएगा लेकिन पसीना के रूप में भी बाहर आता है तो सबसे बड़ा अगर एस्किटी ऑर्गन का बात करें तो स्किन भी हमारा एक है जिससे ढेर सारे स्किटी वेस्ट बाहर आते हैं वो आपका लैक्टिक एसिड के रूप में बाहर आ सकते हैं पसीना में सिलाईबा में सॉरी स्वेट में और क्या आ सकते हैं आप में वो जो है ना सोडियम है क्लोराइड है या फिर पोटेशियम वगैरह कुछ जो है ना वो पसीना के साथ बाहर आ जाता है वाटर है वो पसीना के रूप में बाहर आ जाता है तो कई हमें है लेकिन हमको यहां पर पढ़ना है एस्किटी सिस्टम का बात और एस्किटी सिस्टम में कौन कौन हो जाएगा क्या इसमें क्या क्या होता है इट इंक्लूड इंक्लूड किडनीज इसमें हमको किडनीज के बारे में पढ़ना है मतलब दो और तो और यूरेटर के बारे में पढ़ना है ये भी दो होता है यूरेटर्स और एक है यूरिनरी ब्लाडर यूरिनरी ब्लाडर ब्लाडर और एक पढ़ना है यूरेथरा के बारे में तो हमारे एस्किटी सिस्टम में ये जो है ना चार स्ट्रक्चर्स हैं जो हमको जानना है तो हम अभी शुरू करते हैं मनुष्य का एस्किटी सिस्टम लेकिन इसमें सबसे पहले हमको देख लेना है कि पोजीशन कहाँ होता है बॉडी में हमारे बॉडी में कहां होता है हमारे बॉडी में पीछे की तरफ घूमो आप तो यहां पर होता है करीब करीब आपका किडनी ठीक है नजर नहीं आ रहा है अच्छा आपको हम वो दिखा सकते हैं मतलब कमर से जस्ट ऊपर में ठीक है कमर से ऊपर में आपका वो पाया जाता है और उसको अगर हम अंदर से देखें तो क्या होगा वो आपको हम दिखाते हैं स्लाइड से कुछ देखो पेट जहां पर इंड कर रहा है सिस्टम का वहीं पर व्यवस्था है इंडिंग के तरफ नीचे की तरफ ये देखिए ये आपका किडनी है रिप्स थे है ना पेट में था ये बीच में लेकिन ये जो है आपका स्क्रिक सिस्टम के और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो, वो आपके पेट में निचले हिस्से में है मतलब ये पेट के मतलब एब्डोमेन के लोअर साइड में ज्यादा आपका है स्क्रिक सिस्टम का हिस्सा ये दोनों आपको नजर आ रहा होगा लाल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बीन सेप्ड बीन के सीड सेप्ड है ना वो आपका सेम के बीज जैसा बीज जैसा कुछ नजर आ रहा होगा या फिर आप खाए होंगे अगर सोयाबीन तो सोयाबीन का जो आता है ना सीड उसके जैसा कुछ नजर आ रहा होगा ये आपका दोनों किडनी है ऊपर में देख रहे होंगे टोपी जैसा कुछ पीला नजर आ रहा है ये ग्लैंड है आपका जो इस पे पाया जाता है दोनों पर एक एक है और देखिए नली नीचे गया है दो ये यूरेटर का नली है और ये जो आप देख रहे हो ब्लू जैसा एक रंग का है और एक रेड जैसा रंग का है हाँ ये जो आपका रेड जैसा जो आप देख पा रहे हो ये आपका आर्टरी है जो ब्लड को लेके आता है किडनी में और जो ब्लू रंग का देख रहे हो ये भेन है जो कि ब्लड को ले जाता है यहाँ से हर्ट के पास नीचे के बॉडी के निचले हिस्सों से और किडनी से आपके हर्ट तक ले जाता है तो ये जो है ना रेड रंग के जो आपका यहाँ पर नजर आ रहा है ब्लड वेसल्स उससे जो है ना वो अंदर घुसता है ब्लड और जो आपका ब्लू रंग का नजर आ रहा है उससे क्या होता है ब्लड बाहर निकलता है किडनी से नेक्स्ट फिगर में आए थोड़ा सा और नीचे जाए फिगर में तो देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो किडनी है आपका लास्ट दो जो, जो जोड़ा पसली होता है ना जिसको आप डीप्स बोल रहे थे लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में देखो सेकंड जो और जो लास्ट सेकंड लास्ट और अंतिम जो है आपका लास्ट ये दोनों रीब्स के द्वारा उधर से पीछे से गार्डेड होता है ठीक है और यूरेटर जो है ना आपका लेके ब्लड के यूरिन को कहां से किडनी से वो अंतर कहाँ आ जाता है आपके कमर के क्षेत्र में यूरिनरी ब्लाडर में लाता है और यूरिनरी ब्लाडर जो है उससे फिर यूरेथरा के द्वारा बाहर चला जाता है ये जो दोनों देख रहे हैं दोनों साइड में व्हाइट व्हाइट जो देख रहे हैं ये आपके पैरों को जोड़ता है आपके बॉडी के साथ इसको पेल्विक गडल कहते हैं उसी के बीच में एक गैप जैसा होता है स्ट्रक्चर गैप होता है दोनों दोनों लेफ्ट और राइट जो पेल्विक गडल है दोनों के बीच में क्या होता है वो जो जगह स्पेस होता है उस स्पेस में जो है ना आपका यूरिनरी ब्लाडर होता है आगे बढ़ जाते हैं देखिए ये किडनी जो है ना कितना साफ आपको नजर आ रहा है कैसे कहां पर है बॉडी के अंदर हाँ बॉडी के अंदर कहां पर है वो आराम से आप देख सकते हो किडनी का क्या स्थिति है नेक्स्ट हम उसको बाहर निकाल के दिखाना चाह रहे हैं तो देखिए लेबलिंग किए हैं उसको एडिनल ग्लैंड हो गया जो टोपी जैसा अभी आपको पीला जैसा पीछे नजर आ रहा था ऊपर में ये क्या हो गया एडिनल ग्लैंड है दोनों तरफ है किडनी के एंटीरियर रीजन में एक चीज और देख रहे होंगे दाहिने साइड का जो किडनी है थोड़ा सा बाएं साइड के किडनी से नीचे है क्यों है भाई क्योंकि यहां पर यहां जो ये यह ऊपर है यह ना यहां पर लिवर होता है और लीवर जो है ना काफी बड़ा एरिया लेता है जिसके चलते राइट किडनी जो होता है हम लोगों में थोड़ा सा लेफ्ट किडनी से नीचे होता है थोड़ा सा 1.5 सेंटीमीटर करीब नीचे होता है किससे लेफ्ट किडनी से आप देख सकते हैं लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर में है राइट किडनी के तुलना में अब लेफ्ट किडनी जो है या राइट किडनी जो है उसमें देख रहे होंगे ब्लड वेसल्स घुसा है कौन वाला लाल वाला उससे ब्लड घुसता है और ये जो ब्लू जैसा रंग से जो नजर आ रहा है इससे ब्लड बाहर आता है साथ ही दो और नली देख रहे होंगे दोनों में अलग अलग ये यूरेटर है इसी से जो है ना यूरिन आपका यहाँ से जो आपका निकला है ब्लड में से वो यूरिन के रूप में जाता है आपको जान क्या सर्ज होगा कि एक सामान्य व्यक्ति में हमारा जो ब्लड है वो कई गुना छाना जाता है दिन भर में करीब करीब का ब्लड चूंकि पांच से साढ़े पांच लीटर होता है तो एक हजार से दो हजार लीटर जो है ना ब्लड रोजाना हमारे किडनी में जाता है छानने के लिए तो ब्लड तो पांच से साढ़े पांच लीटर है तो फिर एक से दो हजार लीटर कैसे इसमें जाएगा सर इसलिए जाता है कि ये इतना तेजी से यहां से ब्लड गुजरता है कि जो टोटल हमारा पांच से साढ़े लीटर ब्लड है दिन भर में ट्वेंटी फोर आवर में यहाँ पर करीब करीब जितना बार गुजरता है अगर जोड़ा जाए तो एक हजार से दो हजार लीटर तक जो है ना आप ये रोजाना छान देता है किसको ब्लड को और आपको जान क्या सर्ज होगा हमारा ब्लड जो है ना केवल कितना है पांच साढ़े पांच लीटर है लेकिन ये जो छानता है मतलब उसमें से जो निकालता है अपशिष्ट पदार्थों को वो एक 180 लीटर तक निकाल देता है और 180 लीटर में से अंततः डेढ़ लीटर जो है ना रोजाना आपके इन दोनों यूरेटर से बाहर आ जाता है डेढ़ लीटर पर डे है ना 1.5 लीटर पर डे जो है ना दोनों यूरेटर से बाहर आता है दोनों किडनी में से और वो अंततः जमा हो जाता है ब्लाडर में तो आपके ब्लाडर में यूरिन रोज कितना आता है ऐसे अगर कहो तो यूरिन रोज बनाता कितना है आपका किडनी एक लीटर लेकिन उसमें से पुनः उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल डेढ़ लीटर 1.5 लीटर जो है ना उसी को बाहर निकालता है ब्लाडर में ठीक है 1.5 लीटर जो है ना उसी को ब्लाडर में बाहर निकालता है और ब्लाडर जो है फिर अंततः उसको यूरेथ्रा के रूप में क्या करता है बाहर हटा देता है या समय समय पर रिमूव करता है अब यहाँ पर हम फिर से आ रहे हैं आपको ये तो ब्लाडर हो गया ना ब्लैडर में, ए, में ए, 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 एक ब्लैडर का संख्या एक हो गया इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इसमें ओपनिंग देख रहे होंगे दोनों कोना में दोनों ऊपर में है और एक नीचे में जिसके चलते ये तिकोन जैसा अंदर में स्पेस बन जाता है इसमें जिसको ट्राइगन कहते हैं या ट्राइगन कहते हैं अब ये यूरेटर्स हो गया ये ये ब्लैडर हो गया ये यूरेथ्रा हो गया तो लेबरिंग आपका करीब करीब हो गया नेक्स्ट हम अगर मनुष्य में आगे बढ़े तो एडिनल ग्लैंड वगैरह ये तो हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आगे पूछता है कि एडिनल ग्लैंड कहां पर होता है तो रीजन पर होता है इसके अंदर 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 घुसते हैं किसके किडनी किडनी के अंदर. के अंदर ये देख रहे होंगे ये अंदर का काटा हुआ हिस्सा है यहां से किडनी को काटा गया है और काट के दिखाने का कोशिश किया जा रहा है तो देख रहे होंगे अंदर में कुछ पीला जैसा नजर आ रहा होगा है ना वो बाहर में लाइट लाइट जैसा मतलब कम कलर्ड है और अंदर में देखिएगा डार्क कलर्ड नजर आ रहा है कुछ आपको अब इसको थोड़ा सा आपको हम बड़ा करके दिखाते हैं देखिए किडनी को अगर आप काट लीजिए पूरा हला साइड से तो आपको दो रीजन साफ साफ इसमें नजर आएगा बाहरी रीजन जो है ना वो लाइट कलर्ड होता है इसको बोलते हैं रीनल फॉटिक्स ठीक है जबकि अंदर में जो आपका ये रीजन है वो डार्क आपको नजर आ रहा है ये डार्क रीजन कहलाता है रीनल मेडुला तो हम लोग का किडनी जो होता है वो दो भाग में बटा होता है आउटर रिनल कॉर्टेक्स इनर अंदर के तरफ रिनल मेडुला और बाहर से एक कनेक्टिव फाइबर्स के मेम्ब्रेन से ढका होता है ऐसे कवर्ड होता है ये हो गया अब देखिए ये जहां पर किडनी से यूरेटर बाहर निकलता है वहां पर स्वेलन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे यहां पर ये ये स्वेलन नली जैसा इसी का नाम है रीनल पेलविस तो यूरेटर जो है ना आपके किडनी के साथ कहा जुड़ता है रीनल पेल्विस पर जुड़ता है इसमें ये जो आपको नली जैसा कुछ नजर आ रहा होगा इसमें नली नली जैसा ये है नेफ्रॉन है ना या यूरिनी फेरस टिब्यूल्स तो किडनी जो है हमारा उसका यूनिट है नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस टिब्यूल्स देखिए जिससे ब्लड अंदर जाता है किडनी में उसका नाम है रीनल आर्टरी और जिससे ब्लड बाहर आ रहा है उसका नाम है रीनल वेन किडनी में ब्लड जाएगा किससे रीनल आर्टरी से और बाहर आएगा किससे रीनल वेन से यूरेटर जो है ना वो क्या करता है यूरिन को किडनी से ले जाता है कहा यूरिनरी ब्लाडर में ये जो आप देख रहे हैं आगे की क्लास में आओगे ना तो यहाँ पर कई स्ट्रक्चर है जिसको हमको जो है ना जानना है अभी वर्तमान में केवल दो चीज आपको जानना है रिनल कॉर्टिक्स होता है बाहरी क्षेत्र को बोलते अंदर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं रिनल मेडुला इसमें जो है ना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जो कि किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसका नाम क्या है नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये तो एक सामान्य किडनी का बात था हमारा थोड़ा और अंदर घुसे थोड़ा सा और देखे देखने का मन है तो देखो ये कॉटेक्स हो गया और अंदर में देख रहे हो ना ये आपका ये ये, ये में जो थोड़ा पीला पीला जैसा नजर आ रहा है आपको ये आपका या नेफ्रॉन का बोमिन कैप्सूल्स है जो नजर आ रहा है और सारा का सारा जो आपका है यूरिनीफेरस टिब्यूल्स वो अंत तक खुल कहा जाता है अंदर देखिए पेल्विक रीजन में आके खुलता है सब यूरिन को दे देता है इसको थोड़ा और हम बड़ा करके देखें तो देख सकते हैं देखिए सबसे बाहर में क्या बताया आपको ये था कॉटेक्स का रीजन और, और बीच वाला जो रीजन है उसका नाम क्या है मेडुला तो समानता आप जो नेफ्रॉन को देख रहे हैं नेफ्रॉन का कुछ पार्ट आपका मेडुला में रहता है और कुछ पार्ट कॉटेक्स में बाहरी रीजन में कॉटेक्स में रहता है और कुछ कहाँ मेडुला में हाँ, अब हम आगे बढ़ जाए तो देखिए ये आपका है यूरिफेरस ट्यूबुल्स या नेफ्रॉन हम्म ये क्या है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये जो देख रहे हैं ना ब्रांचिंग ये ब्लड वेसल्स का है जो कि नेफ्रॉन में जाके खुलता है कैसे खुलता है उसको देखते हैं हम देखिए ये नेफ्रॉन है या बोमिन कैप्सूल है उसका ये और ये नेफ्रॉन है ये पूरा का पूरा जो है नली देखो पीला जैसा जो नजर आ रहा है वो निफ्रॉन है तो आपसे एग्जाम में आता भी है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र नामांकित्रे या फिगर बनाए है ना तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है आगे में जो है ना वो आपका वोमन कैप्सूल है गोलाकार स्ट्रक्चर जैसा होता है उसमें ब्लड वेसल्स एक से ब्लड वेसल्स दो होता है समांतर एक जो है ना एक से ब्लड जाता है और एक से ब्लड बाहर आता है अंदर का स्ट्रक्चर हम और आगे दिखा रहे हैं उससे फिर बोमेन कैप्सूल आगे की तरफ नली नुमा रचना में खुलता है जिसका नाम है प्रोजिमल कन्वर्टेड टिब्यूल्स ये और इससे बाद फिर इधर आके देखिए ये टिब्यूल्स है और इसी तरह से अंत तक कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है देखिए ये पूरा भरा हुआ है कौन भरा हुआ है यहाँ पर वो आपको किडनी के अंदर नजर आ रहा होगा ढेर सारा साफ नुमा जैसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये सब क्या है ये सब है आपका यूरिनी टिब्यूल्स या नेफ्रॉन सब नेपर्रॉन आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो पी, ए, जो ब्लू जैसा है वो तो आपका न्यूरो, ए, हो जाएगा? कौन सा ब्लड तो आपका भेन हो जाएगा और जो रेड से दिखा रहे हैं वो सब के सब कौन है आर्ट्री है तो रेड से आर्ट्री ब्लू से आपका भेन और ये जो पीला से नजर आ रहा है वो सब के सब क्या है यूनिफेरेस्टिब्यूल्स या नेफ्रॉन और उसमें जो आगे जो है टोपी नुमा रचना या कैप नुमा रचना फुला हुआ रचना उसका नाम है बोमेंस कैप्सूल थोड़ा सा इसको और खोल के दिखाते हैं ये देखो ये बोमेंस कैप्सूल है अंदर का रचना दिखा रहे हैं ये देख रहे हो ना ये है बोमेन्स कैप्सूल के पीछे का रीजन इधर ट्यूब जैसा और ये बोमेन्स कैप्सूल है उसमें देखिये ब्लड वेसल्स है ये ब्लड वेसल्स है उसमें से जो है ना मेटेरियल निकलता रहता है और किसमें बोमेन कैप्सूल के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नेप्रॉन का उसमें जाता रहता है तो ये जो है ना ये कलेक्ट करता है किसको ब्लड से हार्मफुल पदार्थ को कौन बोमेन कैप्सूल और ट्यूब के द्वारा अंततः उसको यूरिन में बदल के दे देता है मेडुला रीजन में और अंततः वो यूरेटर से होते हुए रिनल पेल्विस से यूरेटर में जाता है और उससे चला जाता है बाहर तो ये आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर देखिए देख रहे कैसे उलझा हुआ जैसा है पड़ा हुआ है पाइप नुमा रचना ये ब्लड वेसल्स है और इसी से सब निकलता रहता है क्या निकलता रहता है भैया तो आपका हार्मफुल जो है जैसे जैसे वाटर है यूरिया वगैरह है देखो सब निकल रहा है इसमें से और निकल के बोमेन कैप्सूल से उधर ट्यूब में जा रहा है नेफ्रॉन के नेक्स्ट देख लीजिए ये देखिए ये पूरा बोमेन कैप्सूल का स्थिति है ये आप साफ देख रहे हैं और उसमें आपका ग्लोमेरुलस है हम्म अपने से ये जो देख देख पा रहे हो आप इसमें स्ट्रक्चर्स इस को उसमें साफ आप देख सकते हो अभी हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं और आगे में अभी आप वर्तमान में जो है ना वर्तमान समय में आपको हम केवल स्लाइड से दिखा रहे हैं लेकिन इसको बोमेन कैप्सूल को हम फिगर को बनाएंगे आपके बोर्ड पे और उसको हम अपने से दिखाएंगे मैनुअल तरीके से दिखाएंगे अभी ये कंप्यूटराइज़ थोड़ा सा कैप्सूल कुछ नहीं आगे में फैला हुआ हिस्सा है और उसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स का नली है जाल है और इसी से मटेरियल निकलता है बोमेन कैप्सूल में और बोमेन कैप्सूल से देखो फिर अंतर उसके नली के द्वारा आपका यूरिन में बदल दिया जाता है और चला जाता है आपके किडनी से बाहर आ, ये देख रहे हैं यूरिन जो है ना यहाँ पर बोमिन और उससे यूरिन सब निकल निकल के ये जो देख रहे हैं ना आप थोड़ा हरा जैसा हल्का ये यूरिन है यूरिन जो है ना वो आ रहा है रीजल पेल्विक रीजन में यहाँ जमा होगा और यहाँ से यूरेटर में चला जाएगा अभी केवल हम आइडिया देना चाह रहे हैं आपको इमेजिनेशन देना चाह रहे हैं कि किडनी में कैसे सजा हुआ है कैसे बन रहा है यूरिन हमारा है ना तो यूरिन रियली में बनाता कौन है अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे यूरिनी फेरस टिब्यूल्स या नेफ्रॉन हाँ लेकिन ब्लड में से एस्क्रिटिव वेस्ट को या अनयूज्ड कुल पदार्थ को प्राप्त कौन करता है तो यूरिनी फेरस टिब्यूल्स या नेफ्रॉन का अगला छोर जिसका नाम है क्या बोमेन कैप्सूल ठीक है उसको हम फिगर से फिर बनाएंगे आपको डिटेल से बताएंगे लेकिन अभी आप केवल ये समझने की कोशिश करो कैसे हमारे किडनी में वो सब सजा हुआ है कैसे हमारे किडनी में कहा बना और कहां गया ये रीनल क्षेत्र है जो खाली होता है इसी में यूरिन भरता है और ये अंततः फिर बाहर से चला जाता है आपके यूरेटर के थ्रू ठीक है तो ये आपको हम किडनी का स्ट्रक्चर बता रहे थे और कुछ एक जो है ना समझाना चाह रहे थे क्योंकि नेक्स्ट okay. डे का जो क्लास होगा उसमें या को हम आपके बोर्ड पे बता के मैनुअल तरीके से समझाएंगे हाँ ये आपको स्केच डायग्राम में दिक्कत हो रहा होगा हम उसको समझाएंगे आपको लेकिन आज जो है ना दूसरे बैच के चलते हैं, हमको थोड़ा क्लास जल्दी छोड़ना पड़ रहा है ठीक है अगला दिन मिलते हैं किसी बच्चे को कुछ पूछना तो